अस्सलामुअलैकुम आमदनी बेगिन न्यूज़ सब लोगों को आगाह करते चलें। आज के दिन पाकिस्तान के अंदर तमाम के तमाम तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान जारी कर दिया गया है। 8 दिनों के लिए तमाम के तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का फ़ैसला सुना दिया गया है। अभी अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से और वज़रा तालीम की जानिब से हंगामी तौर पर इसका ऐलान जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान हुकूमत के हुक्म की तामीर करते हुए ये फैसला जारी किया गया है। आप लोगों को बताते चलें और ये जो अपडेट मिली है ये इस वक्त बलूचिस्तान के हवाले से मिली है। बलूचिस्तान के अंदर तमाम के तमाम जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको 8 दिनों के लिए यानी कि 1 सितंबर तक बंद करने का ऐलान जारी कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर तमाम के तमाम तालीमी इदारों की बंदिश का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर तमाम के तमाम तालीमी इदारों की बंदिश का जो नोटिफिकेशन है और जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। आप लोगों को बताते चलें मजीद बोर्ड्स के हवाले से भी फैसले सुनाए जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर मौसम की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा हालात नाजुक हो चुके हैं जिसकी वजह से रोड्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है सैलाब और तूफ़ान की वजह से। और अब मजीद पाकिस्तान के अंदर बारिशों और तूफ़ानों का सिलसिला जारी रहने का जो खदशा है वो भी जाहिर कर दिया गया है। मजीद किसी और बोर्ड के हवाले से तफसीलात जारी होती हैं अपडेट मिलती है तो वो भी हम आप लोगों को शेयर कर